वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एक लेसन जिसका नाम है ऑन अ विंटर्स नाइट जाड़े की रात। ऑन अ विंटर्स नाइट जाड़े की रात, इसे किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद की एक किताब है जिसका नाम है पूस की रात। उसी लेसन से यह उसी किताब से एक छोटा सा भाग इसमें दिया गया है। और इस कहानी में कितने कैरेक्टर हैं वो जान लेते हैं दोस्तों। हल्कू, हल्कू कौन है? एक गरीब किसान है दोस्तों। सुहाना कौन है? यह एक जमींदार रहता है। और झबरा कौन है? यह हल्कू का कुत्ता रहता है। तो दोस्तों यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों एक बात और कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे भी शेयर करते रहेगा। एक चीज़ और दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आगे से क्वेश्चन आंसर करने में कोई समस्या ना हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी हमारी स्टार्ट होती है एक गरीब किसान से। एक गरीब किसान रहता है जिसका नाम हल्कू रहता है। बहुत ज़्यादा गरीब रहता है, इतना गरीब रहता है कि समझ लीजिए कि उसके कपड़े जो हैं फटे पुराने हैं। उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो एक कंबल खरीद सके, इतना पैसा नहीं रहता है। तो जाड़े के मौसम में यह कहानी स्टार्ट हुई है। तो हल्कू अपनी बीवी के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे पास अगर कुछ पैसा है तो वो पैसा मुझे दे दो ताकि मैं जो है सोहना का जो कर्ज लिया हूँ उसके कर्ज को लौटा दूँ। तो उस समय हल्कू की बीवी के पास मात्र 3 रुपये रहते हैं दोस्तों। 3 रुपये रहते हैं, वो 3 रुपये बचा के रखी रहती है क्योंकि जाड़े के मौसम में हल्कू एक कंबल खरीद सके, इसे अपनी फसलों की देखने के लिए इसे रात में अक्सर कर खेत में जाके सोना पड़ता है। इसीलिए इसकी बीवी सोचती है कि इस बार जो है कर्ज मत चुकाइए, इस बार आप क्या करिए एक कंबल खरीद दीजिए। लेकिन हल्कू कहता है कि पहले पैसे दे दो, मैं कर्ज चुका दूंगा, उसके बाद कंबल के बारे में हम लोग सोचेंगे, उसका कोई दूसरा उपाय सोचा जाएगा। हल्कू की बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि आपको कंबल कौन देगा, कौन आपको इतना उधार देगा? ऑलरेडी आप इतना उधार ले चुके हैं, कर्ज चुका नहीं पाते हैं और आप इतना कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बदले में भी आपको कोई फसल मिलता नहीं है। इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं होता है कि हम लोग सही तरीके से जीवन यापन कर सकें, आप ये खेती बाड़ी करना क्यों नहीं छोड़ देते? उसके बाद हल्कू कहता है कि मुझे वो पैसे दे दो, नहीं तो क्या तुम यही चाहती हो कि सोहना आकर के मुझे गाली दे? सोहना जो जमींदार है जिसका सब पैसा लिया, वो आके गाली दे? इस पर हल्कू की जो बीवी होती नाराज़ हो जाती है। वो नाराज़ होकर कहती है, वो आपको गाली क्यों देगा? क्या वो राजा है? क्या हम भिखारी हैं? क्या हम दरबारी? हमने उसका कर्ज लिया है तो कर्ज चुका दिया जाएगा। उसे जाके कह दीजिए कि अगली बार जब हमारा फसल होगा, अच्छा फसल होगा, तो हम लोग उसका कर्जा चुका देंगे। लेकिन यद्यपि यह बात हल्कू की बीवी भी जानती थी कि सोहना जब भी आता था तो उसे 2-4 गालियां दे के जाता था, इसीलिए आधे मन से वो क्या करती है, पैसे को हल्कू के हाथों में रखती है और कहती है जो मर्जी वो कीजिए, लेकिन कम से कम भगवान के लिए यह काम छोड़ दीजिए क्योंकि इस काम से हम लोग का पेट नहीं भर पाता है, आप गालियाँ सुनते मुझे अच्छा नहीं लगता है। हल्कू पैसा ले लेता है और वह सड़कों पर चलने लगता है और बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद वो सोचता है कि ये पैसा से हम कंबल सकते हैं, ठीक है, और रात अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। लेकिन होता क्या है, वो ये सोचता ही रहता है, तभी एक चीज़ और घटित होता है दोस्तों, कि वो सोचता है कि आजकल के जो ज़मींदार हैं दिन प्रतिदिन धनी पे धनी होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये जो गरीब आदमी हैं वो और ज़्यादा गरीब पे गरीब होते चले जा रहे हैं। इसलिए उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसे कर्ज चुका देना चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। वो जाता है, सोहना जो है उसका पैसा, सोहना का पैसा वो दे देता है, लौटा देता है। फिर उसके बाद होता क्या है, एक दिन रात में वो खेत में जाता है और जैसे ही खेत में जाता है तो भयानक ठंडी पड़ती रहती है। तो अपने कुत्ता, उसका एक कुत्ता रहता है जिसका नाम झबरा रहता है, वो अपने कुत्ते के साथ जाता है खेत में। और जब खेत में जाता है तो होता क्या है कि वो सोने जाता है, तो चूंकि इतनी ज़्यादा ठंड रहती है वो एक अपनी फटी चादर लेकर के जाता है, चारपाई पर सोने का प्रयास करता है, लेकिन इतनी ठंडी में वो सो नहीं पाता है बेचारा। इधर उधर करवटें बदलता है, वो अपना चीलम उठाता है, उसे लगभग कई बार पी चुका होता है, वो 10वीं बार पीता है चीलम को, थोड़ा सा गर्मी का एहसास होता है लेकिन फिर सोने जाता है, सो नहीं पाता है। हल्कू जो है, यह चारपाई रहती, चारपाई के ऊपर हल्कू सोया रहता है, चारपाई के नीचे इसका कुत्ता सोया रहता है। सोचता है कि अपने कुत्ते को लेकर के पकड़ के सोए तो शायद इससे कुछ गर्मी हो जाए, इसलिए ये अपने कुत्ते को पकड़ करके सोने लगता है। तो थोड़ी देर में ये दोनों के दोनों गर्म हो जाते हैं, लेकिन अचानक से इसका जो कुत्ता होता है झबरा, वह लगता है भौंकने और भौंकते भौंकते खेतों में चला जाता है। और जब वो खेतों में जाता है तो एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक भौंकने लगता है, क्योंकि उस समय इसके हल्कू के खेतों में कुछ जानवर घुस आए थे। तो हल्कू को लगता है कि जब तक इसका कुत्ता है शायद इसके कुत्ते में कोई जानवर नहीं है, शायद इसकी फसल में कोई जानवर नहीं आएगा, इसके खेतों में कोई जानवर नहीं आएगा क्योंकि इसका कुत्ता वफादार था। इसके बाद हल्कू थोड़ी देर बाद यह पूरा सुन्न हो जाता है, ठंडी लगभग इसकी हड्डियों में घुस जाती है।
इतना ज़्यादा ठंड रहता है कि बेचारा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो सोचता है कि बगल में एक आम का बागीचा रहता है, वहाँ पे जाता है, सूखी पत्तियों को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद उसमें आग लगा देता है और अपने हाथ पैर को सेक लेता है। कुत्ता इसका भौंक रहा होता है, ये सोचता है कि इसका जब तक कुत्ता है तब तक कुछ होने वाला नहीं है, इसके खेतों में कोई जानवर नहीं प्रवेश करेगा। और यह जब पूरा अपने आप को गर्म कर लेता तो ये वहीं लेट जाता है। इतना आलस्य इसके अंदर आ जाता है कि यह उठ करके खेतों में नहीं जा पाता है। अगले दिन जब होती है तो इसकी बीवी आती और कहती है कि क्या आप उठने वाले नहीं हैं, अभी तक आप सोएंगे, और चलिए खेत में देखिए कि खेत में जो है कि जो फसल था वो सारे जानवर रात में खा चुके हैं और आप करने के आए थे। तो इसके बाद जो हल्कू रहता है कहता है तुम्हें खेत की पड़ी है, रात में मुझे इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, किसी तरीके से मैं जिंदा हूँ वही काफ़ी है। तो इसकी बीवी बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उस समय जो इसका फसल था बहुत अच्छा फसल हुआ था, यदि फसल हो गई होती तो ये सारा कर्जा सब चुका दिए होते। तो इसकी बीवी सोचती है फिर से आपको वही पुरानी वाली कठिन परिश्रम करने पड़ेंगे, फिर से मेहनत करने पड़ेंगे, फिर से आप किसानों की तरह मेहनत करेंगे। हल्कू कहता है ठीक है, कम से कम आज के बाद रात में यहाँ पर इस ठंडी घनी रात में यहाँ पे सोना तो नहीं पड़ेगा। और यहीं पे हमारी स्टोरी समाप्त हो जाती है दोस्तों। उसके बाद हल्कू जीवन भर जो है कठिन परिश्रम करता है अपना कर्जा चुकाने के लिए। आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा स्टोरी क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।